जय श्री राम। तो दोस्तों, गीता कुश्ती का फाइनली ट्रेलर आ चुका है गाइस। इसमें हमें विष्णु विशाल ऐश्वर्या लक्ष्मी नजर आने वाले हैं। जैसे गाइस, मैं ट्रेलर पहले देखता हूँ, उसके बाद में ट्रेलर की बात करता हूँ, उसके बाद में कास्टिंग फिर डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले ट्रेलर देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। நம்ம சொல்ல போறது ரெண்டே போய் தான். சும்மா கொண்டாட்டிய மறைச்சு பார்க்கணும். அவங்க லேசா மறைச்சா நாம நல்லா மறைக்கணும். तो गाइस, काफी कमाल का ट्रेलर देखने को मिला है हमें। गाइस, ये मूवी बेस्ड होने वाली है कुश्ती के ऊपर। अखाड़ा जो हमारा मतलब प्राचीन संस्कृति है, मतलब हमारे प्राचीन काल से खेल चला रहा है कुश्ती का, वो उसके ऊपर ये मूवी होने वाली है। हीरो भी कुश्ती प्लेयर है और हीरोइन तो गाइस गजब की फाइटिंग है, फाइटिंग करती है। तो गाइस, काफी कमाल का ट्रेलर है। बट गाइस, भाषा वेरियर जो है, मतलब वो तमिल लगता है मेरे को, सीखनी ही पड़ेगी, बस भाषा समझ में नहीं आएगी। बाकी ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि हीरो कुश्ती का चैंपियन बनना चाहता है, फिर जो गुरु है हीरो का, मतलब हीरो जहाँ कुश्ती सीखता है वहाँ पे हीरो मतलब ऐसे मतलब कुछ करता है जिससे वो कुश्ती में आगे जा पाए। और हीरोइन को पता चलता है कि कुश्ती प्लेयर है और हीरोइन भी मेरे हिसाब से इसमें कुश्ती प्लेयर होने वाली है। तो गाइस, विष्णु विशाल ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसी कलाकार है यहाँ पे हमारे सामने। और तो और गाइस, बात करते हैं अब इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो गाइस, मूवी के डायरेक्टर हैं चेल्ला अयावू और इनकी डायरेक्ट की गई मूवी है गाइस सिल्लुवरु पट्टी शेर। तमिल मूवी है गाइस ये, भाषा भी काफी कमाल की है और तमिल मूवीज तो गाइस कमाल की होती है। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, क्या इस ट्रेलर को हिंदी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। गाइस, हिंदी में आना चाहिए, इस टाइप की मूवी हिंदी में आनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये आना चाहिए। और आपके हिसाब से बताइए कि ये ट्रेलर हिंदी में आना चाहिए या फिर साउथ इंडियन मूवीज को पैन इंडिया मूवी पे रिलीज किया जाए। कमेंट में जरूर बताएगा अपनी राय। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय श्री राम।